पेंटस आ चुका है गाइस एस टू कौन करके वीडियो लेकर के। लेकिन उससे पहले कल कुछ प्यारे प्यारे से भाइयों ने प्यारे प्यारे से मैसेज किए थे, तो उन सबको दिल से लव यू। और भाई लोग मेरे चैनल को जो लोग भी न्यू सब्सक्राइबर होते हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप लोग इस वाले गेम प्ले को पूरा देखते हो तो आप लोग एक चीज़ समझ जाओगे कि कॉन्कर लॉबी में प्लस कैसे निकालना है, सर्वाइव किस हिसाब से करना है, उसी चीज़ को लेकर के मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पे एक किल है और मैं उधर से बंदे को फिनिश करके आ जाता हूँ सीधा इधर की तरफ। अब जैसे ही मैं इधर की तरफ आता हूँ मेरे को कहीं ना कहीं सारे घर से फुट स्टेप आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं समझता हूँ कि बंदा कहीं जंप करे, लेकिन बंदा यहाँ पर जंप नहीं करता और मैं अंदर की तरफ आता हूँ। फिलहाल के लिए बंदे ने मुझे फुट स्टेप दे दिए थे, मैं समझ चुका था कि बंदा कहीं ना कहीं विंडो के आसपास आके खड़ा हो चुका है। तभी मैं मोली लेता हूँ, बाहर की तरफ आता हूँ, कुक करता हूँ और फेंक देता हूँ, वेट करता हूँ, तभी बंदे के फुट स्टेप आते हैं। बंदा कहीं ना कहीं कोने में आके बैठ जाता है, मैं नेट लेता हूँ, कुक करता हूँ और बंदा तभी पीछे की तरफ कूद जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था असल बंदे की माइनस लगने का डर है या फिर ये बंदा अभी यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं लेना चाह रहा था। और मैं यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ और इधर की तरफ आता हूँ तो बंदा मुझे नहीं दिखता। फिलहाल के लिए मैं इस वाले बंदे को सोचता हूँ कि वाला बंदा मुझसे फाइट नहीं लेना चाहता, तो मैं आ जाता हूँ इसी वाले घर में, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि इस बंदे का मैं माइनस लगाऊं। लेकिन तभी ये बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी इसकी बग्गी आगे की तरफ जाके ठुक जाती है और बेचारा मारा जाता है मेरे हाथों से यहाँ पे। अब जैसे मैं ऊपर की तरफ आता हूँ इस बंदे को कहीं ना कहीं मैंने अच्छा खासा स्प्रे दिया था, तो ये डैमेज था बहुत ही अच्छा वाला। इस वाले बंदे ने कहीं ना कहीं मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया था। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लेट हो जाता और इस बंदे ने हेल्थ किट लगा ली होती तो मैं यहाँ पे इजी फिनिश हो सकता था, मैं यहाँ पे मर भी सकता था और मेरे को यहाँ पे माइनस भी लग सकता था। अब मैं ऊपर की तरफ आता हूँ और अपनी गन रिलोड करता हूँ। अब मैंने उस वाले बंदे को लॉबी तो भेज दिया था, लेकिन मुझे डर अब भी था कि मैंने ये गलती क्यों की। अगर मैं मर जाता तो मेरे यहाँ पे माइनस हो सकता था। मैं यहाँ पे गलती को अपनी लेके एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई मैंने गलती की है, लेकिन अगेन ये गलती कभी नहीं करूँगा। अब मैं वेट करता हूँ कि वाला जोन शिफ्ट हो। अब जैसे ही वाला जोन शिफ्ट होता है मैं तुरंत आता हूँ और अपनी बग्गी को उठाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि लाइट हाउस की तरफ कहीं ना कहीं अभी भी जोन है, तो मैं आके इधर की तरफ क्यों ना होल्ड करूँ। और इस वाले लाइट हाउस के अंदर कोई भी नहीं होता, तो मैं सीधा आ जाता हूँ ऊपर की तरफ। अब इधर आने के बाद मैं एक चीज़ समझ चुका था कि सामने की तरफ जो ड्रॉप है वहाँ पे भी कोई नहीं होगा, लेकिन तभी मैं वहाँ पे कुछ छोड़ देखूँगा। उससे पहले मैं यहाँ के सिरे सीसो को फोड़ देता हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहली बात तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इन बीजेपी वालों ने ये सीसे फालतू के लिए लगाए क्यों हैं। तभी मेरे पास आसपास से बहुत ज़्यादा बग्गी जाने लगती है और तभी नीचे की तरफ से ये गाड़ी वाला बंदा आता है और इसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ पहले स्प्रे में, लेकिन बाद में ये बच जाता है क्योंकि ये वाली गाड़ी कहीं ना कहीं लहर खाती हुई जाती है। तो मैं इस वाली गाड़ी को मार नहीं पाता, इस वाली गाड़ी पे मेरा टारगेट या एम शिफ्ट नहीं हो पाता। तभी ड्रॉप पे मेरे को एक स्मोक दिखता है, अब बंदा भी मुझे स्पॉट हो जाता है। मैं इस पर हल्का सा फायर करता हूँ तो अभी मेरे पास या फिर मेरी बग्गी पे बहुत ज़्यादा फायर आना शुरू हो जाता है। और जैसे मैं सोचता हूँ कि इस वाले बंदे को क्यों ना नेट से मारा जाए, मैंने इतना सोचा ही था, नेट निकाला ही था, लेकिन तभी ये बग्गी वाला बंदा मेरा किल लेके जाता है। मैं स्कोप ऑन करके उस बंदे को देखता हूँ, मेरा किल वहाँ पे नहीं होता या फिर वो बंदा वहाँ पे नहीं होता, ये वाला बंदा किल फिट में उसको चमका के चला जाता है। मुझे गुस्सा आता है, मैं उस वाला बंदे पे हल्का सा फायर करता हूँ। मुझे लगता है वाला बंदा आगे की तरफ रुकेगा, लेकिन वाला बंदा आगे की तरफ भी नहीं रुकता। फिलहाल के लिए मैं आ जाता हूँ इधर की तरफ, क्योंकि ये जगह कहीं ना कहीं इस वाले जगह का मुझे एंड में फ़ायदा मिलने वाला है, या फिर इस वाले जगह का मुझे जो एडवांटेज मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। या फिर इस पोजीशन पे जब भी मैं आता हूँ ऐसी कोई पोजीशन पे तो मेरे को ज़रूर से फ़ायदा मिलता ही मिलता है। अब ऊपर की तरफ मेरे स्मोक हुआ था तो मैं समझ गया था कि ऊपर की तरफ कोई ना कोई बंदा होता है, तो मैं आगे की तरफ नहीं जाता हूँ और वेट करता हूँ यहीं पर कि जैसे ही यहाँ पर ये वाला
सर्कल शिफ्ट होगा या फिर ये वाला जोन स्टार्ट होगा, वैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा, लेकिन तभी मेरे को लगता है कि सामने की तरफ कोई बंदा है और मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वाला बंदा स्पॉट मेरे को नहीं होता। अभी के लिए यहाँ पे 5 बंदे अलाइव थे इस वाले जोन के अंदर, जो कि काफ़ी देर तक मुझे यहाँ पे वेट करवाते हैं ये वाले बंदे। अब सामने की तरफ जो बंदा होता है ना, ये वाला बंदा इतना प्रो होता है या फिर कहीं ना कहीं इस वाले बंदे पे इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है गेम से ले करके कि उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है। अब जैसे मैं इधर की तरफ आता हूँ तभी मेरे को गाड़ी की साउंड आती है, और ये वाला बंदा ओपन में आके लेट जाता है और इसको मैं इजी फिनिश कर देता हूँ और आ जाता हूँ सीधा इधर की तरफ। अब जैसे मैं उसको फिनिश करता हूँ, ऊपर से टॉक्सिक ने एक बंदे को M249 से फिनिश किया था, मैं ये चीज़ किल फीड में देख लेता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे एक ही बंदे की पोजीशन पता थी जो कि ऊपर की तरफ है जहाँ पे स्मोक हुआ था, दूसरे बंदे की पोजीशन मुझे नहीं पता थी कि वो वाला बंदा किधर है। तो मुझे एक ही चीज़ का डर था कहीं वाला बंदा मेरे आसपास लेटा ना हो, तो मैं इस यही सोच के आगे की तरफ नहीं जाता हूँ और वेट करता हूँ कि अभी भी जोन मेरे पास है वो वाले बंदे कहीं ना कहीं जोन के बाहर ही होंगे। तो मैं इधर की तरफ आके दूसरे बंदे की पोजीशन देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे वाला बंदा स्पॉट नहीं होता। अब जैसे मैं इधर की तरफ आता हूँ, बैटरी देखता हूँ, मेरे पास 7% या 6% बैटरी बची है, तो मेरा दिमाग और ख़राब होता है। मेरा मन करता है कि मैं या तो इस वाले बंदे पर रस कर दूँ या तो वाला बंदा मुझ पर रस कर दे, क्योंकि ये वाले बंदे पता नहीं कितनी देर तक सर्वाइव करें मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास बैटरी नहीं है। तो मुझे ये सोच के रस करना था, लेकिन तभी टॉक्सिक एक बंदे को फिनिश कर देता। अब यहाँ पे 1v1 का सिचुएशन था, अब यहाँ पे सामने एक ही बंदा था और मैं भी अकेला। अब वेट करता हूँ कि या तो ये वाला बंदा मुझ पर रस करे या तो मैं सोचता हूँ कि सामने की तरफ जिस वाले बंदे को मारा तभी मैं उस वाले बंदे की गाड़ी ले जाके रस करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बंदा गाड़ी लेके आता है और मुझे स्पॉट कर लेता है, तभी M249 का फायर करता है वो बंदा और इसी के साथ मैं इस वाले बंदे को मार देता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि यार मेरे को अभी तक चिकन क्यों नहीं मिला, मतलब वो जो आता है ना ऐसे बन के चिकन, वो मेरे को मिला ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि क्या हो गया, मतलब अब क्या हो गया मेरे साथ, ये अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं सोच रहा हूँ जोन भी नहीं है अपने पास, अब सर्कल भी गायब है, क्या हो गया ये, मतलब सब कुछ ख़त्म तो हो गया। लास्ट बंदा था, मैप ओपन करके देखता हूँ, मेरे यहाँ पे एक ही बंदा दिखा रहा हूँ, जोन भी नहीं है, सर्कल सब गायब ख़त्म हो चुका है। मेरे साथ ये ग्लिच पहली बार हुआ था तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। अब ये ग्लिच क्यों हुआ मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास बैटरी यहाँ पे थी नहीं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना कुछ किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे माइनस लग गया तो मेरे को और भी दिक्कत हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं मेरे को लॉस हो सकता है, एक दिन का मेरा गैप हो सकता है। अब मैं नेट करता हूँ, नेट फटता है तो मैं एक चीज़ और कन्फर्म कर लेता हूँ, यार मैं तो अभी भी मैच ही अंदर हूँ। फिर मैं एक मोली करता हूँ कंफर्म करने के लिए, अब मैं इस मोली के ऊपर जाता हूँ कि वाली मोली मेरे को थोड़ी बहुत डैमेज करेगी, लेकिन वाली मोली मुझे ज़रा सा भी डैमेज नहीं करती। फिलहाल मैं यहाँ पे नेट लेता हूँ और कुक करके बैठता हूँ कि अगर इस वाली नेट से मरा तो मैं लॉबी में जाऊँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। मैं यहाँ पे बहुत शॉक्ड हो गया था कि मतलब ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर मैं तभी आता हूँ सेटिंग में और कर देता हूँ मैच को लीव या फिर मैच को एग्जिट। अब जैसे ही मैं मैच को एग्जिट करता हूँ सीधा लॉबी में आता हूँ। अब मैं सीधा लॉबी में आने के बाद स्क्रॉल करता हूँ, अब जैसे ही मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ करियर रिजल्ट चेक करता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई भी आइडिया नहीं पता चल रहा था। तो यार मुझे ये चीज़ का पता नहीं, आप लोग को अगर कुछ पता हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।